राजस्थान में विधानसभा चुनाव को 20 दिन रह गए हैं। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है। सोमवार को कई प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन के बाद चुनावी रैलियां और सभाओं का दौर शुरू हो जाएगा। पार्टियों से घोषित स्टार प्रचारक जगह जगह सभाएं करेंगे। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में पहली सभा 9 नवम्बर को होने जा रही है। ये सभा मेवाड़ में होगी। मेवाड़ को राजस्थान की सत्ता का रास्ता कहा जाता है। दरअसल 9 नवम्बर को पीएम नरेंद्र मोदी उदयपुर आएंगे और यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सभा उदयपुर की नई बलीचा कृषि मंडी परिसर में होगी। इसके लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। सभा स्थल का जायजा लेने के लिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उदयपुर आए और उन्होंने सभा स्थल का जायजा लिया। दरअसल बीजेपी मेवाड़ के साथ वांगड़ को भी कनेक्ट कर रही है, यानी पीएम की इस सभा में 28 विधानसभा के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल होंगे। मेवाड़ की इन 28 विधानसभा सीटों को सत्ता का गलियारा कहा जाता है। प्रदेश के सियासी गलियारों में ये बात कही जाती है, जो कि 28 सीटें जीता वो प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ। इसी कारण पीएम मोदी भी यहीं से चुनावी सभाओं की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम मोदी की सभा उदयपुर शहर में हो रही है। जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी ने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसमें 5 तो आरक्षित सीटें हैं, इसलिए पार्टी ने यहां 5 एसटी उम्मीदवारों, 2 जनरल और 1 ओबीसी उम्मीदवारों को मौका दिया। बीजेपी की ओर मवाली विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने में सबसे ज्यादा देरी की गई। पार्टी ने यहां से ब्राह्मण चेहरे को उतारा। उदयपुर जिले की 2 सीटों पर नए चेहरे का मौका दिया गया। ये सीटें उदयपुर शहर और मावली है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उसने भी यहां की 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और अब सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी राजनीतिक माहौल के साथ अब पार्टी अपने दमखम के साथ जनता का जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। साथ ही पूरी कोशिश कर रही है जनता से जनसंवाद कर अपना वोट बैंक बढ़ाने की। वेल, आप किसे सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी को, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।